आज आपकी इंग्लिश क्लास है बेटा, आज आपकी सिक्स्थ क्लास है इंग्लिश की। लास्ट टाइम मैंने आपको फिफ्थ क्लास में इंग्लिश में पढ़ाया था, देखिए साउंड ऑफ ई पढ़ाया था बेटा मैंने आपको, साउंड ऑफ ई लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं फिफ्थ वीडियो में। आज आपकी सिक्स्थ क्लास है, तो आज सिक्स्थ क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, साउंड ऑफ आई। ओके बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ आई। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश के फाइव वोवेल्स यानी ए ई आई ओ यू, इनमें से पहले दो ए और ई के साउंड के बारे में समझाया था बेटा और पढ़ाया था कि कैसे इनके साउंड्स होते हैं, कैसे इनको हम पढ़ सकते हैं थ्री लेटर वर्ड्स को मिला के। तो आज हम आई साउंड के बारे में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए और ई की तरह ही आई की भी कई सारी ध्वनियाँ होती हैं, कई सारे साउंड निकल के आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी एग्जांपल के लिए। जब किसी वर्ड में आई आता है तो अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण होता है, ठीक है। यानी ध्वनि मीन्स क्या होता है, साउंड, ठीक है। उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, इसमें एक एग्जांपल है मेरे पास, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है तीन तरीके से इसको आई के, कितने वर्ड कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको, कितने तरीके होते हैं इसके। देखिए आपके सामने सबसे पहली लाइन में छोटी ई की ध्वनि के बारे में समझाया है, ठीक है। छोटी ई की ध्वनि के बारे में बताया गया है। देखिए आई छोटे ई की ध्वनि के तौर पे हम किन वर्ड्स में यूज़ होता है, ये जो आई जो है छोटी ई की जो ध्वनि है ये किन वर्ड्स में यूज़ होता है। पहले वर्ड देखेंगे आई टी इट, आई एस इज, एस आई एन सिन, एच आई एल हिल, ओके। इन सभी वर्ड्स में आई आ रहा है बेटा, और इन सभी वर्ड्स में आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, होता है छोटे ही की तरह, ठीक है। ये देखेंगे छोटे ही की तरह इन सभी वर्ड्स में। अब हम इसमें इस तरीके से आपके पास और भी वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। और नीचे भी दिए गए हैं, देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं। अब हम ये वाला देखेंगे आई, तो आई का जो हिंदी साउंड इसमें क्या है, आई। आई का प्रोनाउंसिएशन क्या है, आई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस लेटर को प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ लिख रखा है नाइल, एन आई एल ई नाइल, जी आर आई एन डी ग्राइंड, एच आई डी ई हाइड, के आई टी ई काइट। इन सभी वर्ड्स में आई का प्रोनाउंसिएशन क्या है, आई। ओके बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे इसी तरह से और भी वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जिस और भी वर्ड्स में दिए गए हैं आपको कि आप देख सकते हैं, जिसमें आई आता है और इसका उच्चारण होता है आई, ठीक है। आई का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, आई। इन सभी वर्ड्स में आई का प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा, आई, ठीक है। चलिए मैं आपको पढ़ के बता दूं, एच आई हाई, एच आई आर ई हायर, आर ई टी आई आर ई रिटायर, ई एक्स पी आई आर ई एक्सपायर। इन सभी वर्ड्स में आई का प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा, आई। ओके, समझ में आया आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आई कितना इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। जब किसी वर्ड में आई आ रहा है तो अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं एग्जांपल के लिए, जो मैंने आपको भी नहीं कराया, फ़िलहाल इतने ही कराए हैं, जो कि आप धीरे धीरे समझोगे, आप जब आगे क्लासेस में जाओगे, आगे आप पढ़ोगे तो आप उसको धीरे धीरे समझ पाओगे। ओके, चलिए आज मैं आपको होमवर्क बता दूं बेटा,
आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि आई अल्फाबेट जो है, आई वर्ड जो है, हमको आई को किस तरह से, कितनी तरह से बोल सकते हैं, कितनी तरह से इसका यूज़ हो सकता है। ये आपको होमवर्क, साउंड ऑफ आई। चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे दूँ, आपका साउंड ऑफ आई करा दूँ। आप, ये आपका होमवर्क है, साउंड ऑफ आई। आई एन वाले वर्ड हैं जिसमें लास्ट में आई एन यूज़ हो रहा है, और ये आई पी वाले वर्ड है जिसमें लास्ट में आई पी यूज़ हो रहा है। ओके, अब पढ़ेंगे हम, जैसे कि पी आई एन, पिन। पी का साउंड क्या बताया था मैंने आपको, प। पी का साउंड प। प इन, पिन। ट इन, टिन। ब का साउंड, बी का साउंड ब, ब इन, बिन। सी एच आई एन, चिन। इसको क्या पढ़ेंगे, सी एच को च, च इन, चिन। डब्ल्यू का साउंड क्या है, व, विन। ओके, अब हम इसको देखेंगे आई पी वाले को, एल आई पी, लिप। जेड आई पी, जिप। टी आई पी, टिप। टी का साउंड ट, ट इप, टिप। ज इप, जिप। ल इप, लिप। एच आई पी, हिप। ह इप, हिप। डी आई पी, डिप। ड इप, डिप। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया है, और ये मैंने आपको पहले भी कराए थे फोनिक्स साउंड्स, ठीक है। आप उसको अच्छे से याद कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ताकि आप इजीली उसको पढ़ पाओगे, थ्री लेटर वर्ड्स को, ठीक है बच्चों। ये आज आपका होमवर्क है, ये आप देख लीजिए। आपको ऐसे ही होमवर्क में लिखना है, फोर लाइंस वाली कॉपी में, यानी इंग्लिश की कॉपी में इसको एज इट इज़ लिखना है। और आई होप कि आपको सब समझ में आया है, और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट रहती है, हर बार मैं जो कहती हूँ कि आप प्लीज़ बच्चों को पढ़ाइए, वीडियोज़ दिखाइए, ताकि वो पढ़ सकें, इसको समझ सकें। और मुझे पता है कि LKG में भी आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है इसको, सारे साउंड्स पढ़े हैं, AEIOU। तो मैं आपको UKG में भी आपको ये रिपीट करवा रही हूँ, ताकि आपका बेस मजबूत हो, बेस आपका अच्छा हो, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद रहे, ताकि। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप कि आपको सब समझ में आया है। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्लासेस में, स्कूल में जब ओपन होंगे तो मैं आपको समझा दूँगी ये, और आप मुझसे पूछ भी सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।